अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल तहरी। इसके लिए हम एक वेसल में गरम करेंगे 4 टेबलस्पून तेल, और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 प्याज, और प्याज को हम सॉटे कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम भूनेंगे इसकी कच्ची बोल जाने तक। और अब डालेंगे गाजर, बीन्स की फली और आलू। इन तरकारियों को हम तेल में 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद हो तो आप वो डाल सकते हैं, फूल गोभी या फिर सेम की फली। अभी हमारे वेजिटेबल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे 3 टमाटे और इन्हें भूनेंगे। अब डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन्हें हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 ग्लास। और इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे 3 से 4 मिनट तक। अब ये 4 मिनट बाद टमाटे अच्छे से गल चुके हैं, और अब इसमें डालेंगे मटर। ये फ्रोजन मटर है इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरे वेजिटेबल के साथ ही डाल दीजिए। और अब डाल देंगे 1/2 किलो बासमती चावल और इन्हें मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे मुट्ठी भर पुदीना के पत्ते, मुट्ठी भर कोथमीर और 3 से 4 हरी मिर्च जिसे हमने चीरा लगा लिया है। इन्हें मिला लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी। जितना आप चावल लेंगे उसका डबल क्वांटिटी में पानी डालना है आपको। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और अगर आपको नमक कम लगे इस पॉइंट पे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। एक लीम का रस, और इसे कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। हमें इसे पकाना है पानी ड्राई होने तक। अब ये पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, हम चावल को इवन कर लेंगे। और इसका ढक्कन लगा के इसे पकने के लिए रख देंगे 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं। तहारी एकदम रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए न्यू वीडियोस के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए रेसिपीज़ को मेरे। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।